नितिन गडकरी जी से जब मीडिया ने ये प्रश्न किया कि आपने जो ये टैक्स लगाए हैं क्या आपकी केंद्र सरकार की सहमति से लगाए गए थे या आपकी सहमति से लगाए गए, तो उनका जवाब ये था कि हमने इस देश के अंदर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए ये सब कुछ लगाया है। तो ये क्या गणित है इसका, मतलब अगर जुर्माना आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं इससे एक्सीडेंट रुक जाएंगे, ये लिंक कहां पर है, कैसे ये लिंक साबित करते हैं नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, इसका लिंक कैसे साबित करते हैं? ये बहुत ही हास्यास्पद और मैं कहूं ये बड़े ही मूर्खतापूर्ण एक जवाब एक केंद्रीय मंत्री का है, जो उसे नहीं कहना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। जो जुर्माने हैं, जुर्माने के बढ़ाने से एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, ये कहीं दूर दूर तक भी साबित आप नहीं कर सकते और ना ही इसका कोई लिंक है। जो एक्सीडेंट में डेथ होती है उसके मुख्य कारण है कि आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, आपकी सड़क पर इंडिकेशन प्रॉपर नहीं है, आपके यहां पर डिवाइडर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, आपके यहां पर रात में लाइट्स नहीं है, आपके यहां पर जो और रोड सेफ्टी जो मेजरमेंट्स हैं वो आपके यहां पर नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हाईवे है, हाईवे जो बने हुए हैं, हाईवे का तरीका यह है कि जब आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो वहां पर अगर रास्ते में कोई गांव पड़ते हैं या आस पड़ोस में जो भी गांव पड़ते हैं उनके लिए आप उसके नीचे अलग साइड से लिंक रोड बनाएंगे और हाईवे के नीचे से उनके लिए आने जाने का रास्ता देंगे। लेकिन आप कितने ही हाईवे देख लीजिए जहां पर किसी तरह की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो एक्सीडेंट कहां होते हैं, वहां इस तरह की जगह पे होते हैं। आपने रोड्स निकाल दिए हैं बिल्कुल गांव के बीच में, कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है, वहां एक्सीडेंट्स होते हैं आपके। इसके अलावा आप जो सारी की सारी जो आप ये मतलब एक्सीडेंट कम होंगे ये जो बात कह रहे हैं, पहले आप जो बाकी और आपके ट्रैफिक के जो ट्रैफिक पुलिस उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो ढंग और तरीका है, आप उसको सही करिए। आपके पुलिस वाले ही, ट्रैफिक पुलिस वाले ही और पुलिस वाले जो हैं वही नियमों को तोड़ते हैं, वही उनका उल्लंघन करते हैं, आप इसे ठीक नहीं करना चाहेंगे? तो ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल गलत हैं और एक मंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनका बयान बिल्कुल गलत है। भानु प्रताप जी, मेरा अगला सवाल ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गरीब तबका है, जो टू व्हीलर चलाने वाला है, थ्री व्हीलर चलाने वाला है, या इसके अलावा ट्रैक्टर चलाने वाला है, या इसके अलावा और जो ठेली पटरी के जो वाहन चलाने वाले हल्के माल वाहन जो है, उनको कहीं ना कहीं ये सरकार जो है उनको दबाने का और कुचलने का काम कर रही है। और अगर देखा जाए अभी तक जितने भी चलान कटे हैं वो ऐसे गरीब लोगों के कटे, अभी तक किसी मर्सिडीज या किसी ऐसी लग्जरी गाड़ी का कोई चलान वाला अभी तक मामला सामने नहीं आया। देखिए ये बहुत सीधा सा नियम है, यहाँ जब भी दबाया जाता है वो गरीबों को, मजदूरों को और जो ताकतवर लोग हैं उनको छोड़ के जो बाकी और लोग हैं, दुखी हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, मध्यम तबके के लोग हैं, उन्हीं को दबाया जाता है। इसके अलावा यहां कभी भी अब तक जितनी भी सरकारें चल रही हैं उनका यही काम रहा है कि इन्हीं को दबाते हैं। टू व्हीलर कौन चला रहा है, स्कूटर या मोटरसाइकिल कौन चला रहा है, लाइन आप देखिए कि प्रदूषण के लिए और उसके लिए जो लाइन लगी पड़ी है किसकी लगी पड़ी है, उसी पे वो टू व्हीलर जो चला रहा है वो गरीब आदमी ही है, वो निम्न मध्यम दर्जे का ही व्यक्ति है, और या जिनके पास छोटी मोटी कारें हैं वो लोग जो हैं वो निम्न मध्यम दर्जे के ही लोग हैं, तो अल्टीमेटली मार जो है वो गरीब पर ही पड़नी है। एक ट्रैक्टर का भी उदाहरण आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर का भी उदाहरण आया, तो कौन है, वो किसान है, मजदूर है, अल्टीमेटली जो भी कुछ मार पड़नी है वो गरीबों पर ही पड़नी है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार हर तरह से गरीबों को दबाने और कुचलने और लूटने के लिए काम कर रही है। और ये जो एक्ट है आपका, ये पुलिस के हाथ में लूट का एक हथियार दे दिया गया है और इस लूट के माध्यम से पुलिस मालामाल होने जा रही है। सरकार ये सोचे कि कोई भी व्यक्ति इस देश में जो गाड़ी लेता है, वाहन लेता है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो या कुछ भी चीज हो, जिस समय वो शोरूम से गाड़ी निकालता है उस समय वो रोड टैक्स भरता है जो हजारों से लेकर लाखों में बैठता है, इतना बड़े संख्या में वो टैक्स देता है। उसके बाद में अगर वो जहां पर रह रहा है वहां से अलग कहीं भी जाता है तो हालत यह है कि जिस तरफ चले जाइए, मैं आपको बताता हूं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली से मैं अगर कहीं भी 300 किलोमीटर के दायरे में कहीं चला जाता हूं तो तकरीबन 800 रुपए के आसपास मुझे टोल टैक्स देना पड़ता है एक ही दिन में अगर मैं आता जाता हूं। तो मैं रोड टैक्स भी दे रहा हूं, मैं टोल टैक्स भी दूं आपको, और जो तेल मैं भरवा रहा हूं गाड़ी में उसमें जितने का तेल है उसमें आधे से ज्यादा जो पैसा है वो भी टैक्स के रूप में जाता है सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। और इसके बाद इतना हैवी जुर्माना,
एक छोटे से मतलब एक नियम के उल्लंघन के लिए अपना इतना हैवी जुर्माना और आप इसे जायज बता रहे हैं, ये किसी हालत में जायज नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर इस बात को दोहराता हूं कि इसको लगाने से पहले जो आपके रोडों में गड्ढे हैं आप उन गड्ढों को ठीक कीजिए, जो आपकी रोडें टूटी पड़ी हैं उन रोडों को ठीक कीजिए आप, क्योंकि इस देश में तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग तो हर साल केवल गड्ढों के कारण होने वाले एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में मरने वाले लोगों से कहीं ज्यादा उनकी संख्या है, और लगभग 92,000 करोड़ रुपए का देश को नुकसान होता है। तो आपको इसे ठीक नहीं करना चाहिए, सरकार को इसे ठीक करना चाहिए। इसके अलावा आपके जो सिग्नल्स हैं वो रेड लाइट सिग्नल्स जो हैं वो कहीं काम नहीं करते, दिल्ली जैसे शहरों को भी कहें वहां भी खराब होते हैं, लेकिन बाकी की तो और जगह तो बहुत ही बुरी हालत है। आपके जो रोड्स पे जो लगे होते हैं इंडिकेशंस वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, जहां पे स्पीड ब्रेकर है वहां पे इंडिकेशंस नहीं है, जहां पे डिवाइडर्स हैं वो आपके सही काम नहीं करते, रोड्स आपके सही नहीं है और आप इतना बड़ा जुर्माना लगा रहे हैं। तो एक तरफ आप उन चीजों को ठीक करके लगाएंगे तब ठीक है। कृपया चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे पीड़ित लोगों को जो इस अधिनियम से पीड़ित हैं? नहीं, मैं इसका मानता हूं कि इस सब का विरोध करना चाहिए, लोगों को खुल के सड़क पे आना चाहिए। लोग विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इकट्ठे होकर आवाज उठानी चाहिए ताकि ये एक्ट वापिस हो। पहले सरकार और सरकार से मांग सीधी होनी चाहिए कि आप जो है जो रोड सेफ्टी के और तरीके हैं पहले उनको ठीक कीजिए, उसके बाद में आप ये इस तरह के जो है कदम उठाइए, और लोग इकट्ठे होके एक होके मिलके आवाज उठाएंगे और तभी ये बात बनेगी, अन्यथा तो कुचल दिया जाएगा लोगों की इसी तरह से। और ये लगातार जो बढ़ता चला जा रहा है अन्याय आप देख रहे हैं पुलिस के माध्यम से, ये लोगों का जीना हराम कर देगा, तो लोगों को इकट्ठा होकर आवाज उठानी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।